कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने बुलंदशहर के स्याना पहुंचे बसपा के पश्चिमी यूपी प्रभारी शमसुद्दीन राइन, उन्होंने भाजपा और सपा पर जमकर जुबानी बाण चलाए। वहीं शमसुद्दीन ने कहा कि 2012 में सत्ता पर काबिज होने के लिए सपा ने पर्दे के पीछे से भाजपा से गठबंधन कर लिया था, क्योंकि दोनों दल जानते थे कि अगर बसपा आगे भी सत्ता पर काबिज रही तो यूपी से अन्य दलों का सफाया हो जाएगा। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में सिर्फ चार लोग नजर आते हैं, दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले। शमसुद्दीन ने कहा कि भाजपा हिंदू की बात करती है और सपा मुस्लिम की बात करती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ऐसी नेता हैं जो सर्व समाज को साथ में लेकर चलने की बात करती हैं। लोग हमेशा बहुजन समाज पार्टी के नेता हर तरीके से रंगत बनाती रहती है और हर दल को जो लोग बहुजन समाज पार्टी ये अच्छा क्वेश्चन हमारा कमलनाथ नौकरी मिलती है, आगे हर महीने को मजदूरी मिलती है, हर धर्म और जाति के लोग खुशहाल रहते, बहन बेटी हमारी हिफाजत में रहती है। जो कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, उन्होंने बताया कि विधायक बन रहा है और जनता का प्रमुख समर्थन मिल रहा है।